तो भाई आज हम रिव्यू करेंगे भाई ओला की S1X जो 4 kW में आती है उसका। चलिए बता देते हैं पूरी डिटेल्स में भाई क्या होने वाला है इसमें और क्या क्या मिल जाता है आपको। पहली बात तो बता दूं इसमें भाई की मिलती है, और ये इस गाड़ी का सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई की मिल जाती है आपको। की में एक तो अपडेट का सिस्टम तो इसमें है ही नहीं भाई, जो ओला पहले जो आती थी ना उसमें अपडेट करा लो भाई इसको, हर बार उसको अपडेट कराओ। कभी उसकी डिस्प्ले काम नहीं कर रही, कभी उसका जो है सीट का लॉक काम नहीं कर रहा है यहाँ से, तो भाई यहाँ चाबी घुमाओ, आपको लॉक खोलना है, गाड़ी को लॉक करना है तो यहीं से सब कुछ कर दो भाई, सब कुछ लॉक हो जाता है गाड़ी में। ये बहुत बढ़िया फीचर है। और इसमें हब मोटर मिल जाती है, ये देखो हब मोटर के साथ भाई ये बाइक जो है आपको देखने को मिल जाती है ओला S1X। और ये देखो इस प्रकार की ये गाड़ी है। और इसकी भाई रियलिटी आपको मैं बता दूं, एक सबसे बढ़िया फीचर ये क्रश मोड जो होता है इसका, ये वाला भाई, ये जो मोड होता है ना ये सबसे शानदार मोड होता है। बता क्यों? क्योंकि मैंने इसको सर टेस्ट किया है। कैसे टेस्ट किया भाई? मैंने कहा एक बार पावर देखा जाए भाई ओला का कितना पावर इसके अंदर। तो भाई क्या किया मैंने, हमारे यहाँ पर एक मंदिर है टेकरी सरकार के नाम से, तो हनुमान जी का मंदिर भाई वो पहाड़ी पर है और वहाँ पर रोड डला हुआ है पहाड़ी पर, तो भाई वहाँ पर गाड़ी चढ़ने में ना जो स्प्लेंडर हो गई है छोटी मोटी बाइक जो भी हो गई भाई मिनिमम भाई सेकंड गियर में चढ़ पाती है बड़ी मुश्किल से, दो लोग बैठे हो तो, है ना। लेकिन इस बाइक को भाई ओला को मैंने मेरी इस पर 3 लोगों को बिठाया, एक बंदा था उसमें 75 kg वजन था, मुझ में 67 kg वजन है, और भाई बीच वाला उसमें मीडियम वजन होगा, जो भी वजन था उसके अंदर मीडियम जो भी था, ठीक है। अब उसके लिए हमने जो भी इसका रिव्यू था, रिव्यू चेक करने के लिए क्या किया, इन 3 को बिठा कर वही उस वो घाटी पर जब चढ़ाया हमने तो क्रश मोड जो है एक्टिव कर दिया। अब जो क्रश मोड जो एक्टिव होता है वो कब होता है भाई, जब तुम्हारी बाइक ओला बाइक जो है मिनिमम 20-22 की स्पीड पर हो तब जाके ये है मोड एक्टिव हो जाता है। इस मोड को एक्टिव करने के बाद जब हमने इसका पावर देखा तो भाई पावर बहुत बढ़िया था, जो हमने स्पीड सेट की थी मतलब 25 की स्पीड सेट की तो भाई 25 पे ही ऊपर तक चली गई गाड़ी, बिल्कुल 24 नहीं हुआ RPM, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमने दोबारा गाड़ी को नीचे किया और दोबारा से फिर भाई हमने इस पर सिलेक्ट किया 40, तो भाई ऊपर तक बिल्कुल 40 में गई बिना किस कुछ किए, नॉर्मल स्पीड पर हमने 40 कर दिया इसको, 40 में ऊपर तक चली गई भाई। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन लगा मेरे को, ताकत अच्छी है। और कुछ इसकी बेकार चीज़ें जो है मैं आपको बता दूं, जैसे आप मान लो कि भाई पूरी फाइबर बॉडी में प्लास्टिक बॉडी में और इसके साथ ये नहीं आता, तो ये मैंने अलग से लगवाया भाई, 600-700 रुपये का लगा मेरा, मेन स्टैंड इसमें आता नहीं है, ठीक है, ये भी एक इशू है। सेकंड पार्ट इसका मैं बता दूं आपको, इसमें ना इसमें क्या आता है भाई, ये जो ब्रेक है ना, ब्रेक के यहाँ आपको दिख रहा होगा ये वाली चीज़ जो दिख रही है, ये बटन, ये जो खुल जा रहा है, कभी कभार क्या होता है भाई ये अगर जाम हो जाए ना गाड़ी तो आप चला लो आपकी गाड़ी चलते समय झटके मारने लग जाएगी, चलते समय झटके मारेगी भाई जब आप चला रहे हो ना, तो भाई झटका दे दे के आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको भाई हटाने के लिए आप मान के चलो कभी हो गई दिक्कत किसी कारण, तो इसको हटाने की सीधी सी बात है भाई, अगर आपकी गाड़ी झटके मार रही है तो ये वाला प्लग खींच के बाहर कर दो, जैसे ही आप इस प्लग को खींच दोगे तो भाई साहब आपकी गाड़ी बिल्कुल झटके नहीं मारेगी, क्योंकि फिर इसका जो है इस ब्रेक से कंट्रोल हट जाएगा, क्योंकि इस ब्रेक को दबाने के बाद थोड़ा भी प्रेस करते हो आप तो गाड़ी रुक जाती है यानी बंद हो जाती है, लेकिन भाई साहब फिर इस ब्रेक को दबाओ एक्सीलेट करो तब भी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये सिस्टम इसका ये हो गया, ठीक है, कभी अगर ये इशू आता है आपके लिए तो। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, ये सीट जो है ना, आदमी क्या सोचेगा भाई, चोर आदमियों के लिए है ये चीज़ तो है, ठीक है, ये ढक्कन है इसका बहुत बेकार है, क्योंकि इसमें लॉक देना चाहिए था या फिर सीट से लॉक करना चाहिए था। और सेकंड मैं बता दूं इसका पार्ट भाई, ये बहुत गलत चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाती है, आप कहोगे भाई सीट की डिग्गी के अंदर हमने कुछ भी रख दिया, उसके बाद में सोचोगे कि भाई अब इसको कोई निकाल नहीं सकता, तो मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात, ओला को ऐसे किया, ये देखो अगर आपने मोबाइल रख दिया ना भाई तो यहाँ से आप मोबाइल भी निकाल सकते हो, ये कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे सीधा सीधा आप ऐसे करके ये हाथ घुसा दिया मैंने, ऐसे करके यहाँ से हाथ घुस जाता भाई, मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़े हूँ और एक से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए प्रॉपर करके नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, लेकिन ये इसकी बैड क्वालिटीज़ हैं इसकी कुछ जो आपको देखने को मिल रही है, बाकी ठीक ठाक है भाई बाइक। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसी ओला की बहुत सारी कमियाँ मैं आपको निकाल कर बताते रहूँगा समय आते हुए, क्योंकि अभी मैंने इसको चलाया सिर्फ कितना 448 किलोमीटर। और इस एक और मैं बता दूं आपको, अभी क्या हो रहा ना, ये बैटरी बता रही कितना 69% और 69 में कितना बता रही है 93 किलोमीटर, लेकिन भाई ये 93 नहीं चलेगी, ये पता कितनी चलेगी,
ये चलेगी आपकी या तो 70 चलेगी या 65 चलेगी, इससे ज़्यादा ये नहीं चल पाएगी इसमें, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसका पार्किंग मोड हटाते हैं, थोड़ा पार्किंग मोड ये मैंने हटा दिया। अभी ये बता रहा है 93, अब ईको में कितना बता रहा है भाई, ईको में बता रहा है ये 115 किलोमीटर 69% बैटरी में, ठीक है। लेकिन ये 115 भी नहीं चलेगी भाई, ये चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर, ठीक है। और अब इसका जो स्पोर्ट मोड है उसमें 82 बता रहा है, लेकिन 82 तो चलनी नहीं, 50 चलेगी भाई ये, ठीक है। तो ये हो गई भाई इसकी, क्योंकि जो बता रहा ना, कभी भी इसको लेके मत चलना। आप सोचो कि भाई अपनी 69% बैटरी और अपन लेके चलो, अब 82 तो बता ही रहा है, 82 नहीं तो मतलब 80 किलोमीटर बता रहा है, 82 बता रहा है, तो 80 किलोमीटर तो अपन पहुंच ही जाएंगे। नहीं भाई, तुम 75 भी नहीं पहुंच पाओगे, इसको लेके कभी मत चलना। चलना भाई टोटल देख लेना आप, तो भाई 1 किलोमीटर पर आपका 1% जाएगा, या पर अगर आप ईको में चला रहे हो तो समथिंग समथिंग 2 किलोमीटर पर आपका 1% चला जाता, नहीं 2 किलोमीटर नहीं, 1.5 किलोमीटर पर आपका 1% चला जाता है। तो भाई ये सिस्टम रहता है इसके अंदर, ओला के अंदर। बाकी ठीक ठाक है भाई, गाड़ी लेना हो तो ले लो, नहीं लेना हो तो कोई बात ही नहीं। इलेक्ट्रिक ठीक है, अब जमाना इलेक्ट्रिक का ही आ रहा है, तो इसलिए परचेस कर ली भाई। और बाकी आपको जो भी लगे वो कमेंट में बता देना इसके बारे में। बाकी मुझे ये चाबी वाला वेरियंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस चाबी वाले वेरिएंट में जो क्वालिटीज़ आती हैं, अदर जो आती हैं टच वाली, उसमें ये नहीं आती। क्योंकि जो भी टच वाली ओलास आ रही हैं उनमें क्या दिक्कत आ रही है मैं बता दूँ, इशू जो सामने आता है कभी कभार टच में, मतलब आपका सीट लॉक नहीं हो रहा है, कभी कभार गाड़ी लॉक नहीं हो रही है, कभी अपडेट मांग रहा है, तो ये अपडेट वाला लोचा ही ख़त्म है इसके अंदर। ये सारा कुछ लोचा ख़त्म करके डायरेक्ट चाबी से आप सीट खोलना है, गाड़ी लॉक करना है, सब कुछ इससे कर सकते हो, तो ये एक अच्छी क्वालिटी है भाई। तो आप अगर वीडियो आपने पूरी देखी है तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की। ठीक है दोस्तों।